रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अंग्रेजी माह के अनुसार यह त्यौहार इस वर्ष 22 अगस्त 2021 यानी कि रविवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर बहनें भाई को बांधती हैं राखी और भाई उनकी रक्षा का वचन लेते हैं। भाई जहां बहन की रक्षा का वचन देता है, वहीं बहन ये रक्षा सूत्र बांधकर भाई की रक्षा की भी कामना करती है। इस अवसर पर भाई कोई ना कोई उपहार जरूर देता है। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी के बाद से बहनों की ओर से भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। यह त्यौहार भाई बहन के असीम प्रेम और अटूट रिश्ते को दर्शाता है और राखी का धागा दोनों के स्नेह को दर्शाता है। एक और कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने वृत्तासुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलावा, मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि हाथ के मूल में तीन रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है, इसीलिए कलाई पर इसे बांधा जाता है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है।